नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम को लेकर अभी अभी की सबसे बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में मानसून की एंट्री होते ही ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे 12 जिले तरबतर हो गए हैं। वहीं दोस्तों नदी और नाले उफान पर हैं, तो बांधों के गेट भी खोले जा रहे हैं। इतनी रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है दोस्तों। आपको बता दें कि कुछ दिनों की बारिश में ही राजस्थान की बांधों में पानी आने लगा है। अजमेर के आना सागर बांध में तो इतना पानी आ गया है कि वहां से पानी छोड़ना भी शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 17 दिन तक दोस्तों इसे खोलकर रखा जाएगा और दोस्तों लगातार पानी की जो आवक है वो की जाएगी। साथियों आपको बता दें, बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो चित्तौड़गढ़, कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा तथा दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, यहां पर ताबड़तोड़ बरसात रिकॉर्ड की गई है। इसी के साथ में दोस्तों लगातार हादसे भी हो रहे हैं। देखिए आपको बता दें दोस्तों, चूरू में 3 भाई बकरियां चरा रहे थे और इस समय दोस्तों नदी और नाले उफान पर हैं, तो बकरियां चरा रहे 3 भाइयों की दोस्तों तालाब में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है और चौथा लड़का भी दोस्तों बड़ी मुश्किल से बच पाया है। वहीं साथियों आपको बता दें कि 16 जिलों में दोस्तों भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथियों आपको बता दें, काली सिंध नदी ओवरफ्लो है। वहीं दोस्तों लगातार आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी राजस्थान में नजर आ रही हैं। अब तक आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में लगभग 15 लोगों की मौत राजस्थान में हो गई है। वहीं दोस्तों पिछले 48 घंटों में इतनी जबरदस्त बारिश हुई थी कि सीकर में भी भूस्खलन हो गया था और दोस्तों जो हर्ष पहाड़ है उसकी चट्टाने सड़क पर आ गिरी थी। प्रशासन की सूझबूझ के द्वारा दोस्तों जो राजमार्ग है उसको दोबारा से चालू करवाया। राजस्थान मौसम से जुड़ी हर पल की अपडेट चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।